अनंत विजय। मानक जी, बहुत देर से मैं सारे आंकड़े सुन रहा था और अब मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा। दरअसल आंकड़े भ्रमित करने के लिए ज्यादा होते हैं, तथ्य की ओर इशारा कम करते हैं। सबके अपने अपने आंकड़े होते हैं और जो आंकड़ा जिसको सूट करता है वो उसकी बात करता है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त देश में बहुत अच्छी राजनीति हो रही है। पक्ष विपक्ष दोनों बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं और हम पत्रकारों को राजनीति कवर करने वालों के लिए बहुत अच्छी भूमि मिल रही है। अब देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई थी, बहुत अच्छी जीत हुई। वो अभी वो सेलिब्रेशन चल ही रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने एक फाउल कर दिया। उसने पार्लियामेंट को नॉन इश्यू को एक इश्यू बना दिया। कांग्रेस पार्टी जिस अपने मूल मुद्दे पे चल रही थी उसी पे चलना चाहिए था। वो फिर नरेंद्र मोदी के मैदान में पहुंच गई लड़ाई लड़ने के लिए। तो जो सिंगौल का इशू है, वो धर्मदंड का इशू है, उस नॉन इशू को आज भी इशू बनाया जा रहा है, जबकि महाभारत के शांति पर्व से लेके उस समय के तमाम छपे हुए अखबारों में इसकी चर्चा है। संसद के बहिष्कार पर आपने विपक्षी एकजुटता बनाने का प्रयास किया, आपके 21 पर वो 25 हो गए। तो ये राजनीति बहुत जबरदस्त चल रही है। लेकिन अगर पिछले 9 साल को हम देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे, मैं गुरु प्रकाश जी से सहमत हूं जो उन्होंने पेंडेमिक की बात की, जो महामारी की बात की, महामारी को जिस प्रकार से इस देश ने उस पर काबू पाया या जिस प्रकार से वैक्सीनेशन की गई और जिस प्रकार से उसके लॉजिस्टिक्स को, रुक जाइए आशुतोष वर्मा जी, चकित मत होइए, रुक जाइए रुक जाइए, जिस प्रकार से उसको लॉजिस्टिकली मैनेज किया गया, वो केस स्टडी है पूरी दुनिया के सामने। और पूरी दुनिया में उस लॉजिस्टिक को कि किस प्रकार से टॉप से लेके बॉटम तक, और पूरे देश ने देखा कि 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ डोज दिए गए इस देश में, और ये बहुत बड़ा काम था। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बीजेपी इन अपने इस, जिस जो कहते हैं ना, ताकतवर मुद्दे को छोड़ के बाकी मुद्दों पे चली गई। बीजेपी अपने पॉजिटिव मुद्दों को छोड़कर दूसरे मुद्दों पर चली जाती। आज मैं कांग्रेस पार्टी के 9 सवाल देख रहा था, कांग्रेस पार्टी फिर वही देश में भय का माहौल है और अल्पसंख्यकों और उसके खिलाफ ऐसी बातें की जा रही है। इसमें, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए विपक्ष को। विपक्ष जिन मुद्दों पर चल रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उन मुद्दों को आगे लेकर जाना चाहिए और उसी पर हैमर करना चाहिए। लेकिन खैर, कांग्रेस पार्टी है, अगर उसमें निरंतरता होगी तो फिर वो कांग्रेस पार्टी नहीं रह जाएगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस वक्त देश में जो राजनीति हो रही, जैसे अब संसद, ये संसद पूरे राष्ट्र का है, ये किसी पार्टी का नहीं है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कल को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, जो दूसरे प्रधानमंत्री होंगे उस आसन को ग्रहण करेंगे। जो दल बहुमत में होगा वो दल उसका उपभोग करेगा, उसका विरोध करना, ये सब संदेश दरअसल गलत जा रहे हैं। और जब आप राजनीति की बात करते हैं, ये देश, और मैं प्रदीप गुप्ता की एक किताब पढ़ रहा था पिछले दिनों, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है, वो एक्सेस वाई इंडिया के जो सर्वे सर्वे करते हैं, उन्होंने लिखा है कि जीडीपी आदि से वोट नहीं मिलते हैं। उन्होंने साबित किया आंकड़ों के आधार पर, जिन आंकड़ों की बात अभी पैनल के विद्वान लोग कर रहे थे उसके आधार पर उन्होंने साबित किया कि जीडीपी हो और इकोनॉमी हो और ये सब चीजों के आधार पर वोट नहीं मिलते। हमारा देश भावना प्रधान देश है। एक बार अगर भावनाओं का ज्वार उठ गया किसी के पक्ष या विपक्ष में, तो वो फिर, इस देश ने देखा है कि उसका क्या होता है। 77 में मुरारजी भाई की सरकार बनी और इंदिरा जी के पक्ष में ऐसा ज्वार उठा कि 2.5-3 साल में वो सरकार चली गई। राजीव गांधी जी को इस देश के संसदीय इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत मिला, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह एक अकेला व्यक्ति पूरे देश में अचकन पहुंच के कागज दिखा के उसने उस वक्त की राजीव गांधी की सरकार की चूल्हे हिला दी थी। तो हमारे देश में ये सारे मुद्दों को ध्यान में रखते, और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि मुझे शायद अब मौका नहीं मिलेगा, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस देश में विपक्ष को एकता का प्रयास करना चाहिए, और वो एकता पता नहीं क्यों हो नहीं पा रही है। क्योंकि हमने बहुत सारे अवसरों पर देखा, जैसे राहुल गांधी जी ने बयान दिया था आपके साथ ही चर्चा में, हमने उस पर भी चर्चा की थी, जब उन्होंने कहा था अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से बाहर कौन जानता उनको, मतलब भाव यही था, भाषा अलग हो सकती है।
तो इस तरह से ये चीजें, और आज आशुतोष वर्मा जी उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी मुझे हो रही है, जबकि हैरानी का भाव प्रदर्शित वो कर रहे हैं। अच्छा तो विपक्ष हाँ को अच्छा ये अपनी हाँ जी जो मैं नौ साल का सवाल पूछ रहा था वो ये था कि मतलब एक इंडिपेंडेंट अगर एनालिसिस किया जाए तो कैसे पता लगाएं कि 9 साल कितने कामयाब रहे, या फिर जो विपक्ष सवाल आज दाग रहा है उनमें कितना दम है, या जनता की कितनी मोहर है, क्या स्टेट मानक इलेक्शंस जी, को उसमें हम कंसिडर करें क्या? मानक जी, मानक जी, अभी हम लोकसभा में प्रधानमंत्री के कार्यों का आकलन कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में मिले वोटों के आधार पर उनके कार्यों का आकलन होना चाहिए। और मेरा ये मत है, आप याद करिए, इसी तरह की चर्चा टेलीविजन में हुआ करती थी जब 2019 के चुनाव के पहले, ठीक पहले, राजस्थान हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश हार गई थी और छत्तीसगढ़ हार गई थी। तब ये कहा गया था कि नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव बहुत टफ होने वाला है। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 274-75 सीटों से 303 सीटों तक पहुंच गई और एनडीए 330 सीटों तक पहुंच गया। तो मैं ये कहता हूं कि जनता पर भरोसा रखना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक दलों को देश की संस्थाओं पर प्रश्न नहीं खड़े करने चाहिए। ओके ऑल आज राइट ओके ईवीएम भी ठीक हो आशुतोष गया वर्मा बहुत देर से कुछ जी। कहना चाह रहे हैं, आशुतोष वर्मा बोलिए जल्दी। नहीं मानक जी, मुझे बड़ा अजीब से लगता है जब वरिष्ठ पत्रकार नाम लिख के और कोरोना पे होने वाली विफलताओं को वो उसकी शाबाशी करते हैं। पूरे विश्व में जिस तरीके से महामारी फैली हुई थी और जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हिंदुस्तान में हुआ था, 40 लाख आंकड़े पूरे विदेशी सारी सारी मीडिया में छाए हुए, पत्रकार है मुझे नहीं पता लोग पढ़ते, ये दंगा में बहती हुई लाशें देखी। और 200 करोड़ भाई साहब, 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, 200 करोड़ नहीं लगेंगे तो किसको लगेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप, किस बात पे आप तारीफ कर रहे हैं? झूठी तारीफें हैं। और आपने संसद में कहा कि बेकार का मुद्दा है, आप क्या जानते हैं पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? आप पत्रकार हैं, पार्लियामेंट का मतलब होता है उसका कस्टोडियन राष्ट्रपति होता है, भाई उसके साथ दो सभाएं होती हैं। आशुतोष जी एक सेकंड, एक मिनट, तारीफ करने की भी एक लगी। आशुतोष जी रुकिए ना, रुकिए ना, देखिए मैं आपके आशुतोष बीच जी में एक नहीं बोल सेकंड, रहा था, मैं आशुतोष जी आपके एक बीच में नहीं सेकंड, बोल रहा आशुतोष था, जी आप बोल अरे रही रुकिए है। ना, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, मैं हमारे सिर्फ ये कह मानक रहा हूं जी इस पैनल में जितने भी लोग हैं माननीय हैं, एक दूसरे का सम्मान करें, पर्सनल आप मत करिए, आपको नहीं, उनके पर्सनल नहीं विश्लेषण बोल पर, रहा, उनकी टिप्पणी पर टिप्पणी करनी है, कड़िए काटिए, मैं टिप्पणी पर कर रहा पर्सनल हूं मत जो करिए बस। जब नहीं, उन्होंने भी मेरा नाम लिया इसलिए मानक जी मैंने बता रहा हूं, अरे आपका इसलिए नाम मैंने लिया बोला। लेकिन वो आपकी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, आपकी हाँ, पार्टी तो की राजनीति और पॉलिसी की मैं बात भी कर रहे उनकी थे। पत्रकारिता के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कोई पर्सनल आक्षेप नहीं लगा रहा हूं उन पे। मैं कह रहा हूं कि अगर इनको नहीं पता है कि सदन का कस्टोडियन राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के बाद उसके दो सदन दिए जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और उसके साथ उसको एडवाइस करने के लिए राष्ट्रपति के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और अगर अगर हम राज्यसभा के स्पीकर को या लोकसभा के स्पीकर को या राष्ट्रपति को मिलाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को यह मौका ही नहीं मिलता कि वो शिलापट्ट पे अपना नाम डाले, वो अपने साथ रिबन काटे। सदन में परेशानी यह है, आप लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बदलना चाहते ओके हैं अनंत विजय क्योंकि जल्दी आपका जवाब उस दीजिए, पर अनंत विश्वास विजय को नहीं मौका है। देना पड़ेगा मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता मुझे राजनीति शास्त्र सिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति कस्टोडियन होता। मैं तो सिर्फ इनसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि जो राष्ट्रपति संसद का अंग होते हैं उनको ये कस्टोडियन बता रहे आप अपनी हैं। गलत फहमी दे दूर कर लीजिए, आप इसको फिर से सर पढ़ लीजिए। आप पत्रकारिता में पीएचडी भले ही कर चुके हो लेकिन आपको भी इसके बारे में नहीं पता है, मुझे बड़े अरे सर अजीब सी बात आपसे लग ज्यादा रही है। पता है, रुक जाइए अभी ठीक आप है, थोड़ा हाँ मुझे रुकिए मुझे पता है, रुकिए मुझे रुकिए पता है आप क्या रुकिए। कहना चाहते हैं, हाँ मुझे राष्ट्रपति जो पता है है। उसी के कहने से ही सदन का शुरुआत होती है, उसी से कहने से खत्म होता है, वो अरे सर कस्टोडियन होता है, वो जब चाहे तब चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकता है। तो राष्ट्रपति को बुलना बुलाना ये अपने आप में एक पूरी पूरी पड़ी हुई परंपराओं को तोड़ना मैं है। तो ओके अनंत आप विजय, इसको अनंत बताते विजय हैं कि ये आशुतोष बोलिए अनंत मुद्दा है। बोलिए आशुतोष वर्मा जी आपकी आपके बात समाप्त परेशानी हो गई ये तो मैं एक है, बात कहना चाहता हूँ नहीं नहीं मैं कि मेरी मेरी बिल्कुल आप आशुतोष आराम से वर्मा जी जाइए, आपकी आप परेशानी आशुतोष जी ये एक है सेकंड कि रुकिए ना, आप आपसे ही का ये जवाब सुना दे रहे हैं, नहीं गया, आप ही का जवाब दे रहे हैं। आपसे ये नहीं, इनसे ये सुना नहीं गया कि जब ये छोटी छोटी पार्टियों को गिनतियां करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी, तो आप 25 मेरे साथ हैं बच्चे, ऐसे पत्रकार चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी को, ऐसे चाहिए तो जो इस पद पे अनंत छोटी छोटी विजय बातों बोलिए, को अनंत विजय गिना किया आपकी है। बारी है। भाई साहब चुप तो हो जाए, हाँ बोलिए मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी में एक पढ़ा लिखा आदमी मैं मानता हूं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को, मैं तो उनकी ही राय की बात कर रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा से ज्यादा पढ़े लिखे आशुतोष वर्मा जी हैं। मैं अब इनकी आप बात उनके मान लिया उनके करूंगा भाई, स्टेटमेंट को पढ़ ये लीजिए मुझे और संसद अपडेट रहा बता रहे हैं। कीजिए।
अरे भाई साहब चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए, अपडेट नहीं नहीं मानक जी अपडेट रहा करे ना, रामगोपाल जी ने क्या कहा है उसको बारे में भी नहीं सुना, बस ये बोलते जा रहे हैं क्योंकि भाई वो कह रहे हैं पहले उन्होंने कुछ और कहा बाद में कुछ और कहा। नहीं नहीं उन्होंने अपने आप को क्लियर किया कि उन्होंने बात दूसरे कॉन्टेक्स्ट से पूछी थी, ऐसे कुछ पत्रकार माइक लगा के बात किसी और को पूछते हैं, बाइट कोई और चलाते हैं। देखिए ये पत्रकार नई जीवी पैदा हुई है आशुतोष वर्मा जी, इसी तरह समाजवादी पार्टी ने अभी पिछले विधानसभा चुनाव में पत्रकारों पर हमलावर रुख करके नतीजा देख लिया, इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, दूसरों को सुनिए, मीडिया की हमें कोई परेशानी नहीं है, परेशान ना होइए, स्पेस दीजिए, जिस तरह से हमें आप खारिज कर रहे हैं उस तरह से हम भी आपको खारिज कर सकते हैं, लेकिन वो न संस्कार है न वो डिबेट का हिस्सा है। okay. मैं तो सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूं कि आप मुझे राजनीति शास्त्र पढ़ा रहे थे, एक बार आप संविधान पढ़ लें कृपया, आपसे मेरा बस सिर्फ इतना आग्रह है। ओके जल्दी से डॉक्टर नवल किशोर, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास भी सुजाता, गुरु प्रकाश आपको आखिरी कॉमेंट दूंगा। नहीं चूंकि मुझे मुझे लग रहा था कि डिबेट जो है किसी और दिशा में बढ़ रहा है, ये बात तो अनंत विजय जी मानेंगे ना कि मोदी जी जो है वो बहुत अच्छा प्रधानमंत्री बनने में उनकी कोई रुचि नहीं है, उनको अमर होने में रुचि है, ऐसा हर जगह वो अपना नाम चाहते हैं जो कि कभी सदियों में मिटाया नहीं जा सके, वो खुद कहते हैं उनको लगता है कि उनसे बेहतर प्रधानमंत्री पहले तो नहीं था, भविष्य में भी नहीं आएगा। इस बात को रेखांकित करने की जरूरत है कि जो सरकार है उसको कोशिश करना चाहिए मुद्दों पे रहे, मुद्दों पे आज तक मोदी जी ने और मोदी सरकार ने कोई बात नहीं मानी है, क्या 2 करोड़ नौकरी मिले? ओके ऑलराइट सुजाता, वापस सुजाता आपका नंबर है, सुजाता बोलिए। देखिए जब पत्रकार के नाम पर न्यूट्रल होकर आप बैठते हैं ना तो आप डिबेट को बहुत अफेक्ट करते हैं, आप लोगों के दिमाग में कुछ बातें डालते हैं, इसीलिए आनंद जी जैसे लोगों को बैठाया जाता है। अब अरे ऐसे मत बोलिए, एक सेकंड सुजाता नहीं, देखिए ऐसे कमेंट मत करिए प्लीज, नहीं सुजाता नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए मेरे इसी पैनल में, नहीं एक सेकंड, अब देखिए अब आपने क्योंकि डायरेक्ट अटैक किया मुझे जवाब देना पड़ेगा, इसी शो में इसी चैनल पर इसी इन्हीं पैनल्स में हर तरह के विश्लेषक हर तरह के पत्रकार आते हैं सुजाता, राष्ट्र की बात बरसों से चल रहा है और हमारे दर्शकों का हम पर पूरा भरोसा है और सीना ठोक कर हम कहते हैं, पैनल का कंपोजिशन आप देख लीजिए और सबकी राय देख लीजिए, हर तरह के विश्लेषक आते हैं, किसी की राय सरकार के खिलाफ होती है किसी की सरकार के पक्ष में होती है, सबका सम्मान करते हैं और आपको भी करना चाहिए, यह पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए कि जो पत्रकार सरकार के खिलाफ बोले वो इंडिपेंडेंट है, जिसकी राय सरकार से थोड़ी मेल खा जाए नहीं नहीं वो बायस्ड है, यह नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं माने कि मैंने ये थोड़े का कि चैनल के पत्रकार नहीं आते, मैं ये कह रही हूँ कि ये ऐसे लोग हैं जिनको बनाया गया, आप तो देखिए ना आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ी कह रही हूँ, ये हर जगह हो रहा है, ये भाजपा द्वारा तैयार किए गए हैं कि ये अपने आप को पत्रकार के नाम पर आगे आके न्यूट्रल दिखाए और फिर कार्यक्रम में बैठ के एक तरफा हो जाए। देखिए संसद की बात जब ये करते हैं ना और भावनाओं की बात करते हैं तो भावनाएं जो है लोगों की संसद से भी जुड़ी हुई है, और नैतिकता क्या होती है, 2019 के चुनाव के बारे में आपने बात करी, प्रधानमंत्री जी ने सैनिकों के नाम पे जो शहीद हुए उनके नाम पर वोट मांगा था, ये सही था, ये नैतिकता था, और ये वरिष्ठ पत्रकार बता दे। और मैं केवल आज बात करती हूँ महिलाओं के बारे में, आपको मालूम है अभी इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बारे में बात करी, उनकी तो उनकी पोती जो है वो देहरादून की सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रही है जहां पे भाजपा की सरकार है और शासन प्रशासन सुन नहीं रहा, महिला विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार और आदिवासी विरोधी ये सरकार है, और सरकार का आकलन कैसे किया जाता है, चुनाव जीतने पे नहीं, चुनाव जीतने के बाद जो वो कार्य करती है जिसमें ये फेल है, और भाजपा के प्रवक्ता ओके गुरु प्रकाश नहीं देखा, डॉक्टर गुरु प्रकाश क्लोजिंग कॉमेंट, डॉक्टर गुरु प्रकाश। नहीं मानक जी मैंने सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और हम तो मानक जी बुनियादी मुद्दे हैं, उन बुनियादी मुद्दों पे हम लगातार काम करते रहेंगे, हमने देखा हम जब सरकार में आए थे कि 10% से कम लोगों के पास जल का कनेक्शन था वो आज 60% हुआ है, हम जब सरकार में आए थे तो 35% से कम लोगों के पास शौचालय था जो आज 100% हुआ है, हम जब सरकार में आए थे तो 74 एयरपोर्ट थे, पिछले 9 वर्षों में हमने देखा कि 74 एयरपोर्ट और बन के खड़े हो गए हैं, हम जब सरकार में आए थे तो मात्र 5 एम्स थे आज हम देख रहे 25 एम्स खड़े हो गए हैं, तो बुनियादी मुद्दों पर बातचीत हो, विकास के मुद्दों पर बातचीत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत हो, कोविड का कार्यकाल आया था और हमने देखा किस प्रकार से, और मैं सुन रहा था कुछ ऐसे भी नेता थे जो कहते थे कि भाई बीजेपी की वैक्सीन है फलाने की वैक्सीन है,
भ्रमित किया जाता था, लेकिन इन सब के बावजूद यह सुनिश्चित किया गया कि देश के सभी लोगों को 220 करोड़ वैक्सीन डोजेस लगाए गए, और यही कारण है कि बिना मास्क के हम लोग यहां बैठे हैं। और आज भी भ्रमित किया जा रहा है, जो आंकड़ा 6 लाख था उसको 40 लाख बताया जा रहा है, कई लोगों की अपनी अरे भाई अब बिना मास्क के यहां बैठे हैं, इसका क्रेडिट आप मत लीजिए भाई गुरु प्रकाश, प्लीज। संसद की बात, बिना मास्क के इसलिए बैठे हैं क्योंकि महामारी खत्म हो चुकी है, प्लीज इसका क्रेडिट मत लीजिए, आप ऐसे मत बोलिए भाई प्लीज। तो मानक जी मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, लेकिन 220 करोड़ डोज जो लगाया गया मानक जी उसकी बात तो होनी चाहिए ना। हेपेटाइटिस का वैक्सीन आने में कितना समय लगा था, पोलियो का वैक्सीन आने में कितना समय लगा था, 40 साल 50 साल 100 साल यहां कोविड का वैक्सीन सिर्फ बना ही नहीं, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया कि सबको दो डोज। सुजाता क्या कह रहे हैं, जल्दी से सुजाता क्विकली। देखिए हम तो वैक्सीन कैपिटल थे पहले और पूरे दुनिया में हम वैक्सीन भेजते थे, ये क्या बात कर रहे हैं, और पूरी दुनिया में कोरोना खत्म हुआ है केवल भारत में नहीं।